बच्चों, वेलकम बैक इन क्लास। आज हम पढ़ेंगे पार्ट पांच, जिसका नाम है अक्ल का पुरस्कार। विधा है बच्चों इसकी कहानी। अक्ल का मतलब होता है दिमाग या बुद्धि, पुरस्कार का मतलब होता है इनाम। बच्चों, जब भी हम कोई काम करते हैं सरल या कठिन, तो हम अपने अक्ल या दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। कैसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है। तो आज आप पढ़ेंगे ये पार्ट, अक्ल का पुरस्कार। बच्चों, आप अपनी बुक उठाइए और हाथ में आप पेंसिल ले लीजिए। जो लाइन आपको अच्छी लगती है, उस लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे। अब आप अपनी पुस्तक में देखिए, एक चित्र बना हुआ है। आपको चित्र में क्या दिख रहा है बच्चों? वहां पर एक चित्र में मालिक खड़ा हुआ है और मालिक के सामने बहुत सारे दास खड़े हुए हैं। देखिए उस चित्र में आपको दिखेगा, प्राचीन समय में मिस्र में दास रखे जाते थे। उनका कोई घर परिवार नहीं होता था। वे गाय, बैल, घोड़े और ऊंट की तरह मालिक की संपत्ति होती थी। उन्हें बाजार में आलू प्याज की तरह खरीदा और बेचा जाता था। तो एक बार बच्चों, जो मालिक थे उन्हें धन की प्राप्ति हुई, उन्हें बहुत सारा धन मिला। तो मालिक जो है वो बहुत खुश हो गए कि मुझे तो बहुत सारा धन मिला है। तो उन्होंने अपने दासों को अपने पास बुलाया कि मेरे पास आओ। सभी दास उनके पास आए। उन्होंने बोला कि मुझे बहुत धन मिला है, अब मैं आप सभी लोगों को एक लंबी यात्रा पर लेकर के जाऊंगा। सभी दास खुश हो गए, लेकिन उन्होंने कहा, यात्रा पर जाने से पहले मैं आप सभी की बुद्धि या दिमाग की एक परीक्षा लेना चाहता हूं। यदि उस योग्यता में आप सफल होंगे तो मैं आपको बहुत सारा इनाम भी दूंगा और मैं आपको स्वतंत्र कर दूंगा। स्वतंत्र मतलब बच्चों आजाद कर दूंगा, कि अभी तो उन्होंने दास बनाया हुआ है। वो बहुत सारा काम करवाते हैं दासों से अपने पास रख के, जैसे हम हमारे मेड सर्वेंट से कराते हैं। तो फिर उन्होंने कहा, यदि आप इस परीक्षा में जीत जाते हैं तो आपको मैं इनाम देके आजाद कर दूंगा, यहाँ से आपको जाने कह दूंगा। तो सभी दास बहुत खुश हो गए। अब उन्होंने एक तरफ इशारा किया सभी दासों को और बताया, वहां जाओ, वहां जाओ, वहां बहुत सारा सामान रखा हुआ है, आपको वो सामान उठाना है। और जब हम लंबी यात्रा पे जाएंगे तो आप सभी को एक एक बोझ, एक एक सामान उठा के उस यात्रा पर चलना है। सारे दास जो थे वो बहुत खुश हो गए कि हमें तो यात्रा पे जाना है। वो बोझ की तरफ दौड़े। सब ने जल्दी 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 दौड़ दौड़ कर एक एक बोझ उठा लिया। किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, और लेकिन सब ने जल्दी जल्दी उठाया। अब मालिक उन सभी दासों की तरफ देख रहे थे। मालिक ने क्या देखा, सभी दासों ने तो उठा लिया है, लेकिन एक दास जो कॉर्नर पे खड़ा हुआ था कोने पर, उसने कुछ भी नहीं उठाया है। मालिक ने पूछा कि आखिर तुमने क्यों नहीं उठाया, इधर आओ, तुम्हारी क्या समस्या है। सभी दास तो दौड़ दौड़ के चले गए, उन्होंने सामान उठा लिया, लेकिन तुमने क्यों नहीं उठाया। तब वो कहता, नहीं मालिक, पहले इन सभी को उठाने दीजिए, इन सबके उठाने के बाद मैं जो सामान बचेगा उसको उठा लूंगा। अब मालिक ने क्या देखा, जो सारे दास थे अपनी अपनी पीठ पे हल्का हल्का बोझ उठाए हुए थे और आराम से खड़े थे, लेकिन जब आखिरी वाले दास ने उठाया तो उसकी पीठ पे उसने रखा, और जैसे ही रखा तो उसकी पीठ बोझ से ऐसे हल्की सी मुड़ गई, दब गई। बहुत बोझ था, बहुत भारी बोझ उसने उठाया हुआ था। मालिक लगातार उसे देख रहे थे। चलिए, अब जब सभी ने उठा लिया तो यात्रा शुरू हुई। सबसे आगे मालिक बैठे हुए थे, सबसे आगे, फिर उनके पीछे कुछ उनके स्वामी थे जो घोड़ों पे बैठे थे, मंत्री, सिपाही, और मंत्री सिपाहियों के पीछे उन्होंने देखा कि अब दास आ रहे हैं। जब राजा ने देखा, मालिक ने देखा कि दास तो लगातार चल रहे हैं, लेकिन उनकी पीठ पे हल्का हल्का बोझ है, और जो सबसे आखिरी में आ रहा है उसकी पीठ पे सबसे भारी बोझ है, वो देख रहे थे लगातार। तो बच्चों, आज हमारी ये कहानी यहीं तक हुई। आधी कहानी आज मैंने आपको समझाई। अब बच्चों, आधी कहानी हम कल पढ़ेंगे, कल समझेंगे। यदि आपको कहीं कोई परेशानी होती है तो आप मुझसे बताएंगे।